नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए जानेंगे आज हम एक ऐसे ड्रॉप के बारे में जो आंखों में सूजन, आंखों में दर्द, आंखों में होने वाली खुजली से राहत दिलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे ये कौन सा ड्रॉप है। ये एक फेमस ड्रॉप है, अदर भी ब्रांड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका नाम है कीटोवेन। हम बात कर रहे हैं कीटोरोलैक के बारे में। ये कीटोरोलैक एक ऐसा ड्रग है जिस भी ड्रॉप में मिलता है, जो भी डॉक्टर्स इसे लिखते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखेंगे कीटोरोलैक के बारे में। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन बटन को ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिल सकेगी और हमारे आने वाली नई नई वीडियोस और नए नए अपडेट्स का लाभ उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कीटोरोलैक के उपयोग क्या है। उपयोग यानी कि हम कहाँ कहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। आँखों की सूजन, एलर्जी के कारण होने वाले आँखों में सूजन या फिर आँखों में थोड़ी बहुत खुजली होना या फिर कॉर्निया की सूजन होना, और ये दवाई जो है एंटी एलर्जिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करती है, दोनों ही काम ये करती है। ऐसे मरीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है। कीटोरोलैक कैसे लेनी चाहिए। कीटोरोलैक यानी कि हम इस ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। ये ड्रग जिस भी ड्रॉप में आपको मिले तो आपको वो कैसे यूज करनी है। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो इसकी एक से दो ड्रॉप्स आपको दिन में 3-4 बार ले लेनी है। 5 दिन के लिए आप ले सकते हैं, आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कब इसे उपयोग नहीं करना चाहिए, कीटोरोलैक यानी कि जिस भी ड्रॉप में आपको ये ड्रग मिलेगा, जब भी आप इसे यूज करेंगे, तो ऐसी ऐसी कौन सी कंडीशन है जब इसका उपयोग आपको नहीं करना है। ऐसे मरीज जिनको इस ड्रॉप से या इस ड्रग से एलर्जी हो, या फिर कॉन्टैक्ट लेंस, या फिर बच्चे, या फिर ग्लॉकोमा वाले मरीजों में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सावधानी से करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बगैर इस दवाई का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वैसे तो आमतौर पर इस मेडिसिन के बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन स्पेशली हम बात करें आँखों में जलन होना, यानी कि इस ड्रॉप डालने के बाद में आँखों में जलन थोड़ी बहुत हो सकती है, खुजली हो सकती है, और शरीर पर पित्ती होना, अर्टिकेरिया जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। और कभी कभार कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें से बहुत ही रेयरली ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको रिएक्शन इस दवाई से हो जाए। हालांकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। ऐसी दवाइयों का बहुत ही अच्छा उपयोग है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम बात कर रहे हैं कीटोरोलैक के बारे में। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।